Warm greetings to all members of Anukiran Ladies Club. Respected Chairperson of Anukiran Ladies Club, Mrs. Sashi Pushpkar, President Mrs. Manjushri Chanda, Mrs. Chameli Haldar, Mrs. Vaishali Parasvar, all seniors and friends. Welcome to the finale virtual meet. देखते देखते पूरा साल निकल गया और आपसे विदा लेने का वक्त भी आ पहुंचा। हमारे बहुत तैयारियों के बावजूद आप सभी से हमारे मिलने की आस दिल में ही रह गई। कितना अजीब है ये फलसफा जिंदगी का, दूरियां सिखाती हैं नज़दीकियां क्या होती। जी हाँ, हम सभी वो मिलना मिलाना, सभी के साथ के हंसी के ठहाके, म्यूज़िक पे डांस और डांस पे सीटियां, वो चटपटे गॉसिप बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये दौर भी गुजर जाएगा और पूरी उम्मीद है कि इस नए साल में वर्चुअल मीटिंग की जगह रियल मीटिंग्स ले लेंगे। बहरहाल, हमारी आपसे विदा लेने की घड़ी आ गई है और हम अपनी फिनाले पेशकश के साथ रेडी हैं। सो एंजॉय इट। रिमेंबर, सेलिब्रेट एंडिंग्स फॉर दे प्रोसीड न्यू बिगिनिंग्स। और हम अपनी शुरुआत चेयरपर्सन एंड प्रेसिडेंट के शुभ संदेश से कर रहे हैं। अनुकिरण लेडीज क्लब के सभी सदस्यों को नमस्कार और हमारे क्लब के फिनाले वर्चुअल मीट में स्वागत है। मुझे इस बात की खुशी है कि इतने टफ कोरोना टाइम्स में भी हमारा क्लब चलता रहा और आप सभी का मनोरंजन करने की सफल कोशिश करता रहा। आपने भी सभी प्रोग्रामों में शामिल होकर इसकी सराहना की और सभी को प्रोत्साहित किया। आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। इसके लिए कमेटी को बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। आप सभी सेफ और हेल्दी रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आने वाली कमेटी का स्वागत करती हूं। आने वाली नई कमेटी की प्रेसिडेंट मिसेज राधा जोशी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। थैंक यू वेरी मच। चेयरपर्सन मिसेस शशि पुष्पकर, बीकानेर हॉल लेडीज क्लब प्रेसिडेंट मिसेस चमेली हल्दर, मिसेस वैशाली परसर, ऑल सीनियर्स, ऑल कमिटी मेंबर्स एंड क्लब मेंबर्स, आप सबको अभिनंदन। आज हमारा कमेटी का एनुअल डे आ गया। आशा करती हूँ आप सब लोग पूरा साल में बहुत ही एंजॉय किया है और ये सब संभव हुआ कमेटी मेंबर्स की कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। सारे प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, हम सबको एंटरटेन किया, खास करके 30 का प्रोग्राम, ऑफलाइन पिकनिक कम स्पोर्ट्स गेम बहुत ही अच्छा था। लास्ट ईयर इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कमेटी मेंबर्स हम सबको ऑनलाइन प्रोग्राम का माध्यम में एक साथ जुड़े रखा, इसीलिए मैं सब कमेटी मेंबर्स को मेनी मेनी थैंक्स देती हूँ और आप सबको भी थैंक्स देना चाहूँगी। आप सब लोग हमारा साथ कोऑपरेट किया, मैं कमेटी में आकर बहुत कुछ सीखा, साथ में प्यार और सम्मान भी मिला। आशा करती हूँ हम सब लोग जल्दी कोरोना मुक्त हो जाए और ऑफलाइन मोड में आ जाए और तब तक आप सब लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते रहिए और अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रखिए। एट द एंड आई वेलकम द न्यू कमेटी मेंबर्स एंड विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अध्यक्ष महिला क्लब, अन्य पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, मैं आपके समक्ष क्लब की आय व खर्च का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पिछली कमेटी द्वारा दी गई शेष राशि 61,293 रुपये एवं 400 रुपये इंटरेस्ट के एवं 64,750 रुपये सदस्य शुल्क के रूप में जमा हुए, जो कि कुल 1,26,443 रुपये हुए। खर्चे में 1,540 रुपये मार्च में महिला दिवस व होली, 2,400 रुपये मई में फेयरवेल किया 7 मेंबर का, 17,410 रुपये अगस्त में तीज के गिफ्ट आए, 12,525 रुपये नवंबर में पिकनिक विद फन, 5,000 दिसंबर में सोशल वर्क किया, 17,511 रुपये जनवरी में एनुअल गिफ्ट और पार्टिसिपेंट गिफ्ट आए। शेष राशि
15,187 रुपये बचे हैं जो अगली कमेटी को सौंप देंगे। सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को धन्यवाद। नमस्कार, आज का गेस्ट ऑफ ऑनर मिसेस निशा बुद्धिराज, वो मेरे बहुत अच्छा फ्रेंड है। सबसे पहले मैं भाई साहब को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ। भाई साहब 7-8 में चीफ सुपरिंटेंडेंट होकर रिटायर्ड हुआ। निशा जो है इसका बारे में जितना बोलूँगी उतना ही कम है। निशा को मैं पिछले 20 साल से जानती हूँ। वो बहुत ही टैलेंटेड और साथ में केयरिंग एंड हेल्पफुल भी है। उसका 2 बेटा है, बड़ा बेटा विशाल वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और छोटा बेटा शिखर अहमदाबाद IIM में MBA का फाइनल ईयर है। शिखर और मेरा बेटा देवप्रिय बहुत ही अच्छा दोस्त है। इन दोनों का दोस्ती हमारा रिश्ता और मजबूत कर दिया। निशा पहले अनुकिरण कॉलोनी में जब भी आते थे मेरा घर जरूर आते थे। भाई साहब भी मेरा हस्बैंड के साथ बहुत साल 1-2 में एक साथ काम किया। हर सुख दुख में वो मेरा साथ थी। अभी वो लोग दिल्ली नोएडा में शिफ्ट हो गया। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट का वजह से उन लोगों का जल्दी जाना पड़ा। उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया और हम सब उम्मीद करते हैं उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ निशा और उसका परिवार सब सुरक्षित और सफल रहे। धन्यवाद। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई से जी भर आता है। अवर चेयरपर्सन मिसेस पुष्पकार, अवर प्रेसिडेंट मिसेस मंजूश्री चंदा, ऑल सीनियर्स एंड ऑल क्लब मेंबर्स, आज मुझे मिसेस निशा बुद्धि राजा के लिए कुछ बोलने के लिए बोला गया है। समझ नहीं आ रहा, बोलने को इतना सारा है कि शायद पूरा दिन भी कम पड़े। मिसेस बुद्धि राजा से मेरा रिश्ता 40-45 साल पुराना है। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हमारा बचपन साथ ही बीता। हम एक ही जगह से एक ही कॉलोनी में और एक ही लेन में रहते थे। ये तो हम लकी रहे कि हमारी शादी भी एक ही जगह हो गई। मतलब शादी के बाद हम रावतभाटा आ गए। उसके बाद हमारा मिलना जुलना होता था। सुख दुख में एक दूसरे के यहाँ जाते थे लेकिन हम दोनों अपनी गृहस्थी में रम गए। यहाँ आने के बाद उनके नेचर में काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी मैच्योरिटी आई उनमें, काफ़ी समझदारी शाली। रास्ते में जो मिल जाए सबसे मिलती हैं, हंस के मिलती हैं। उनकी पर्सनालिटी शानदार है। वो धार्मिक भी हैं, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें भी करती हैं, शिवानी को फॉलो करती हैं, बहुत सुलझी हुई लेडी हैं। जाने से पहले मेरा उनसे बहुत मिलने को मन था लेकिन किसी कारणवश मिलना नहीं हो पाया। उनके 2 होनहार बच्चे हैं, विशाल और शिखर। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करें। बहुत प्यारे बच्चे हैं। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन समय नहीं। आखिर मैं यही ईश्वर से दुआ करती हूँ कि वो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और उनके पूरे परिवार को मेरी तरफ से पूरी आँखों से दूर सही दिल से कहाँ जाओगे, ये जाने वाले तुम बहुत याद आओगे। रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन मिसेस शशि पुष्पकार, ऑल द सीनियर मेंबर्स, डियर फ्रेंड्स, निशा बुद्धि राजा भाभी के लिए मुझे कुछ शब्द कहने के लिए जब अनुपमा ने कहा तो मेरे दिमाग में ये आया कि गुड बाइज आर नॉट वेरी इजी। किसी को भी याद करने की कोई वजह नहीं होती। जो सुकून देते हैं वो जहन में जिया करते हैं। निशा बुद्धि राजा भाभी एक बहुत स्वीट लेडी हैं। रावत भाटा में आई कैन से शी इज़ द सोल ऑफ रावत भाटा। और इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी। हम लोग करीब कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों के जो बच्चे हैं बड़े, मतलब उनका जो बेटा है शिखर, वो और मेरा बेटा प्रत्यूष एक साथ पढ़ते थे। भाभी के साथ मेरा बहुत निकट से उनको जानने का मौका मुझे 2013 में मिला जब हम पड़ोस में एक दूसरे के साथ संपर्क में आए। और एक मोमेंट मुझे याद आ रहा है, हम एक मैरिज में गए थे उदयपुर और हम लोग एक ही रूम में, हमने एक ही रूम शेयर किया। दैट टाइम आई केम टू नो हर वेरी क्लोजली
शी इज वेरी केयरिंग इन डीड शी इज अ ग्रेट पर्सनालिटी चार्मिंग फिगर और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप उनसे मिलो आपको उनसे कुछ नया सीखने को मिलता था। मैं बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि किसी भी बात को बहुत परिपक्व तरीके से शी हैज़ मैच्योरिटी इनफ टू से थिंग्स और ऐसा लगता था ऑलवेज शी इज़ गाइडिंग यू एंड शी इज़ फॉलोअर ऑफ बी के शिवानी ऑल्सो। सो डेफिनेटली भाभी वी आर गोइंग टू मिस यू और मैं ये कहूँगी कि गुड बाइज जो है दे आर नॉट फाइनल, ये तो बस एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का कि रिटायरमेंट्स होते हैं हमारी जॉब्स में और आप जहाँ भी रहेंगी वी विल ऑलवेज कीप इन टच एंड आई विश ग्रेट लाइफ अहेड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। गुड हेल्थ तो एक बेसिक चीज़ है, जैसे कहा जाता है सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ दैट यू एन्जॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड नाउ भाई साहब कैन गिव यू फुल ऑफ हिज टाइम और आप अपने परिवार के साथ जहाँ भी हैं बहुत अच्छे से रहें, खुश रहें और हम लोगों के संपर्क में रहें। जब भी आप रावत भाटा आएँ हम लोग ज़रूर मिलेंगे या फिर अगर हमारा भी दिल्ली आना होगा तो हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू थैंक अनुपमा दैट शी हैज गिवन मी दिस चांस। एक दिन मोहब्बत तोड़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका कर भी।